भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए आज के वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड से मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अगले साल 2023 में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए भारतीय टीम को दे दिया है बड़ी चेतावनी। तो दोस्तों, इस हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए क्या कहा और मैच की पूरी हाईलाइट को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेला गया और इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पे 306 रन बनाई। भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर सर्वाधिक 80 रन, शिखर धवन 72 रन तथा शुभमन गिल ने 50 रनों की पारी खेली और न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलिंग में टीम साउदी और लॉकी फर्ग्यूसन ने 3-3 विकेट लिया तथा एडम मिलने ने 1 विकेट लिया और जीत के लिए मिले 307 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 3 विकेट खोकर इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया और यह मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया। न्यूजीलैंड के तरफ से टॉम लाथम ने 145 रनों की शानदार पारी खेली तथा न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने 94 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड से मिली इस हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो भी खिलाड़ी इस समय खराब फॉर्म में है उसे तुरंत ही टीम इंडिया से बाहर कर देना चाहिए क्योंकि अगले साल 2023 में होने वाले वनडे विश्व कप में अब ज्यादा दिन नहीं बचा है। अगर अभी से खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के ऊपर यदि एक्शन नहीं लिया जाएगा तो भारतीय क्रिकेट टीम का एक बार फिर हालत T20 विश्व कप 2022 वाला ही होगा और भारतीय क्रिकेट टीम का एक बार फिर विश्व कप जीतने का सपना रह जाएगा अधूरा। तो दोस्तों, आपको महेंद्र सिंह धोनी की यह राय भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में कैसा लगा कमेंट में अपनी राय दे और इसी तरह के क्रिकेट से संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।